तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे इस चोट के बारे में जरूर पूछेंगे। तुम सब संभाल लोगे ना बेन? संभालने की जरूरत नहीं, अरे वो तो मेरी हर बात का यकीन करते हैं, कोई भी बहाना चलेगा। मम्मी मैं आ गया, बड़ी भूख लगी है, तो चले? सच बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं पिक्चर देखने गया था, वो जूली के साथ। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन मैं फोन। कार्ल इसकी आँख तो देखो। आँख तो दिखाई नहीं दे रही। अगर ये चोट थोड़ी सी भी ऊपर लगती तो तुम्हारी आँख ही नहीं बचती। ओ मम्मी मैं मानता हूँ मेरी एक नोक झोंक सी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी बस, उन लड़कों को बात करने की तमीज नहीं है। बेन ठीक से याद है तुम्हें वो लड़के ही थे ना कि एक बड़ा भयानक एलियन? हाँ गलती हमारी ही है, हम ही ने तुम्हें इतनी छूट दी है, इतनी कि तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। हमने तुम्हें देखा है बेन, इन्हीं आँखों से वो चीज बनते हुए। नहीं जरूर वो कोई और रहा होगा, एक मिनट बताता हूँ। जल्दी बताओ। वैसे क्या क्या बताना है मुझे? जिसकी मदद से मैं अलग अलग एलियन का जेनेटिक कोड एक्सेस करता हूँ और उनका रूप लेता हूँ, वो मेरी मदद करते हैं डीएन एलियन को मिटाने के लिए जो हमारी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। और इस काम में तुम कब से जुटे हुए हो बताओगे जरा? 5 साल पहले से, ग्रैंडपा ने कहा था कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि। ओह मैं कैसे भूल गया डैड, मैं जानता था ये सब उन्हीं का करा धरा है। वो सिर्फ एक प्लमर नहीं थे, उनकी और भी जिम्मेदारियां थी। सब झूठ था वो, तुम्हारे अंकल फ्रैंक और मैं ये जानते थे कि वो हमसे छुप छुप कर कुछ करते हैं और वो सब छुपाने के लिए हमसे झूठ बोलते थे। मैं नहीं चाहता कि तुम हमसे कुछ छुपाओ। हम ही ने इसे छूट दी, लेकिन बदले में क्या मिला? हमारा 15 साल का लड़का बेवजह अपनी जान खतरे में डाल रहा है। ये सब बेवजह नहीं है मम्मी, इसके लिए मैं चुना गया हूँ, ये ओमनीट्रिक्स मुझसे जुड़ गया है, इसका निकलना नामुमकिन है। ओ, इसे मैं अभी मुमकिन करता हूँ। अरे यार ये तो वाकई नहीं निकल रहा। मैंने आपसे पहले ही कहा था। एक खरोंच तक नहीं आई। आपकी आरियां टूटी उसके लिए सॉरी। खैर जो भी हो, तुम आज से ओमनीट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करोगी, ये ऑर्डर है। लेकिन पापा दुनिया की हिफाजत के लिए। कहा ना ये मेरा ऑर्डर है। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। माइनर मंकी। कोशिश कर रही हूँ। और अपने हाथ बिल्कुल इसी पोजीशन पर रखना। ओ, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। आगे सड़क रिपेयर हो रही है। ब्रेक्स, ब्रेक्स। नहीं, दूसरा वाला। उसने स्पाइडर मंकी को तो रोक लिया, पर वो क्रोमा स्टोन को नहीं रोक पाएगा। स्वम्प फायर। ये तो बिन बुलाए ही आ गया, पर मैं इसी से काम चला लूंगा। सोचने दो। ये क्या? अब वो आम लोगों पर हमला करेगा। जेट रेन। मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। ठीक हो? हाँ बस सोच रहा हूँ,
उस चीज ने मुझ पर हमला किया, मेरे हर एक मूव का जवाब दिया और फिर किसी और के पीछे चला गया। डायमंड हेड, तुम क्रोमास्टोन नहीं हो? हाँ, मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था, पर तुम हो के ग्वेन ने तुमसे कहा था ना टिश्यू इस्तेमाल करो। मुझे तुम्हारे अंदर क्रोमास्टोन महसूस हो रहा है। कहाँ है वो? जरा एक सेकंड के लिए रिलैक्स करो तो मैं समझाता हूँ। समझाने का काम मुझे करने दो। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो मुझे करना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं, मैं टूट रहा हूँ। रुको, उसे तकलीफ हो रही है। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। बेन, तुम ठीक तो हो ना? बेन, नहीं। ये ठीक कह रहा है, ये क्रोमास्टोन है। बेन, मैं हूँ। कैसे? मैं आज तक नहीं समझा ये कैसे काम करता है। क्या वक्त आ गया? हाँ, लगभग। काम हो गया, अब मैं अपनी तकदीर को हकीकत बनाने जा रहा हूँ। मुझे आज ही पता चला कि क्रोमास्टोन उड़ सकता है। ये बहुत कुछ कर सकता है। तो फिर तुम ही हमें सब कुछ बताओ ना। पहले तुम लोग जरा मुझे तो ठीक कर दो। ओके, लगभग तैयार हो गए तुम। लगभग मतलब? अब जो मिला उससे तैयार कर लिया। एक मिनट, तुम इसे लेकर क्या करने वाले हो? इसे पहले जैसा बना रहा हूँ। जब मैं ऐसे टुकड़ों में बटा हूँ तब ट्रांसफॉर्म करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वैसे भी कभी ना कभी तो बैटरी खत्म होगी ही। क्या हुआ, सारे पुर्जे सलामत तो है ना? बैठा है। क्या उसे रोकने का कोई आइडिया है? हमें किसी तरह उसके इलेक्ट्रिकल पावर में शॉर्ट सर्किट करना होगा। मेरा सबसे बर्फीला विंटर मैंने शिकागो में बिताया है। अभी पुराने किस्सों का वक्त नहीं है ग्रैंडपा। सड़कों पर नमक छिड़का जाता था, उसे ट्रक में भरकर रखा जाता था, ठीक उस तरह। हाँ, और नमक में मौजूद सोडियम उसे शॉर्ट सर्किट कर सकता है। अरीना और रिकली फील्ड, आज की वेदर रिपोर्ट कहती है तबाही। बॉस ने कहा था अपने लिए एक रोबो पार्टनर बना लो वैंस, एक्शन वेदर टीम के लिए बढ़िया रहेगा। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। बादल वाला मॉन्स्टर एक सॉलिड मास नहीं है, तुम्हें किसी भी तरह उसे उन ट्रक्स में भेजना होगा। अभी करता हूँ। एक बहुत बड़ा पनल हाजिर है। Hey guys!
लगता है एक महीने तक नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाबाश।